हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज का दिन काफ़ी सुहाना है। मैं घर से साइकिल लेके निकला था, वही बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करने। चाय और ये सुबह सुबह बड़े पापा के हाथ की चाय। आज का दिन वाकई बढ़िया होने वाला है, चलो देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे कज़िन और मेरे अंकल के पास, जो कि यहाँ पर फ्रेश जूसी मैंगो ट्री से कट कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ से जाऊँगा मेरे दूसरे कज़िन के पास, तो मैं वहाँ जाके एक सीक्रेट स्पॉट दिखाऊँगा जहाँ हमने कुछ दिन पहले एशियाटिक लायन देखे थे। लायन काफ़ी डरावना सा माहौल था वो, तो लेकिन लायन देखने में बहुत मज़ा आता है। दूर से ही देखना पड़ता है भाई, पार्ट लगा देता है, वो किंग है। तो मुझे अभी मेरे कजिन लोग मिल नहीं रहे हैं, मुझे मिल गए। हाँ, they are right over there. Hello. हेलो बोल बेटे। कितने आम? इतने इतने आम है। अच्छा, सब गिरे हुए। आपका स्कोर तो सबसे ज्यादा है। ज्यादा बड़ा हूँ मैं। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा वो स्पॉट पे जहाँ मैंने आपको बोला था कि मैंने दो दिन पहले लायन देखे थे। वो प्लेस है जैसे थोड़ा सा दूर, मैं वहाँ जा दिखाऊँगा। और उससे पहले मेरी फैमिली आ गई है, तो मैं सबसे मिलवाता हूँ। स्टे ट्यून्ड। ओके, मैं सीखूँगा खाना बनाना। राइट ओवर देयर। अभी हम सीखेंगे बाजरे का रोटला बनाना। पहले थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसके बाद पानी, और फिर डालेंगे थोड़ा सा आटा। हम सबको अच्छे से मिलाएंगे और फिर वहां पर दो दिन पहले तो थे।
हाँ वो ये पहली और दूसरी जो नींबू का पेड़ है उसी के नीचे छांव में बैठे थे। क्या गारंटी याद नहीं होंगे? नहीं नहीं याद नहीं होगा, अगर होते तो अब तक आवाज आ चुकी होती आपको। पक्का? श्योर? नहीं वैसे तो श्योर नहीं बोल सकता क्योंकि जब पास में जाते हो वो ऊपर के जो आवाज आती है उसकी फीलिंग ही कुछ अलग होती है। देख तेरे पास तो है कुछ तो तू ले ले। मेरे से तो ज्यादा ही देखे तूने शेर, कुछ बता। बस ऐसे ही कभी कभार आप बीच में आ जाते देख लेते, कभी कभार बाइक लेके जाते हैं बीच में आ जाते तब देख लेते, कभी कभार उसने कोई शिकार किया होता है तब देख लेते, ऐसे ही छांव में बैठे रहते हैं। उस दिन यहीं बैठे थे ना? हाँ बस इसी जगह, एक इधर था और एक उधर था। माय गॉड, विल शो यू द फुटेज ऑफ दैट डे दैट लायन वाज पासिंग बाय। काफी दूर से शूट किया था हम लोगों ने, नजदीक तो क्या ही बोला जा सकते है लोग। ये ले ले तू आगे चल रहे। मेरे खेत में यहाँ आसपास के एरिया में अक्सर यहाँ पर आया करते हैं क्योंकि ये जो एरिया है वो गवर्नमेंट ने इको जोन डेवलप कर दिया है, इको जोन डिक्लेयर कर दिया है एक्चुअली, कि यहाँ पर कोई भी फार्म पे कोई भी जगह पर शेर जो है एशियाटिक लायन वो अकेले खुले ऐसे ही घूम सकते हैं। चलो अभी जाते हैं ऊपर। मैं और मेरा भाई जब मॉनसून होता था ना तब जो मोर आते थे पिकॉक उनके पीछे हम जो नोकिया का मेरा मोबाइल था 2690 वो लेके शूट करने के लिए निकलते थे, तो वो दिन ही अलग था। नहीं क्या बोल रहे हो? मॉनसून आ रहा है नज़दीक। हाँ यहीं पर रुकना है और क्या, लॉकडाउन रहेगा तो। कैमरा भी अच्छा है अपने पास, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रो रही हो? दुआड़ो थे सर। क्या है मेनू में आज? अड़दनी दाल, बाजरा रोटला, मेथी नो साग, कांदा, मरचा, टमाटर। छाश। थैंक यू। अहिया जो। थैंक यू। या। Here is the pro tip, ठंडा पानी है, आप छाछ रखोगे तो वो भी ठंडी हो जाएगी, रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं है। टाटा। लंच इज रेडी, ज्यादा नहीं बोलूंगा। चलो 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 पेट नो खाड़ो पुरवा चलो।
खाना तो वाकई में बढ़िया था। मैन आई कांट डिस्क्राइब दोज फीलिंग्स मैन। सो अभी मैं एक खुले शेर की तरह यहाँ छाव में आराम से सोऊंगा। ओह मैन, अभी तक यहाँ ही हो, जाओ सो जाओ अब भी खाना खा के। एंड हाँ, जाओ उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट में आपका रिव्यू लिखना कि वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, अंटिल देन सी यू।